हाय बच्चों, मेरा नाम शबनम है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी वॉरियर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेटर राइटिंग उर्दू मीडियम बच्चों के लिए। ये एक गैर रस्मी खत है। गैर रस्मी खत को इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, जिसमें हम अपने रिलेटिव मम्मी पापा या भाई बहनों को ये खत लिखते हैं, उसे कहते हैं गैर रस्मी खत। इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। गैर रस्मी खत का टॉपिक है अपनी पढ़ाई से मुतालिक अम्मी को खत लिखना है। आप देख सकते हो कि ये एक फॉर्मेट है गैर रस्मी खत का, कैसे लिखा गया है। सबसे पहले आपको डेट लिखना है, फिर लिखना है प्यारी अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद ये जो खत है अम्मी को लिखा गया है, इसके लिए प्यारी अम्मी जान लिखा गया है। अगर आप किसी बहन को भाई को लिख रहे हो तो आप वहाँ लिखोगे मेरे प्यारे भाई या मेरे प्यारे बहन, मेरी प्यारी दोस्त, ऐसे लिख सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो पहला पैराग्राफ होता है वहाँ पे आपको आपकी खैरियत के बारे में लिखना है। जैसे इस खत में लिखा गया है प्यारी अम्मी जान, खत देर से लिखने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप और घर में सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। यहाँ पे उसने अपनी खैरियत और घर वालों की खैरियत के बारे में पूछा है। जब दूसरा पैराग्राफ होगा आपको उस पैराग्राफ में मुद्दे के बारे में लिखना है। ये खत का जो लिखने का मुद्दा है वो पढ़ाई से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बताया गया है। अगले हफ्ते से इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, इसी में मैं मशरूफ़ हूँ। सभी मजमून की तैयारी अच्छी चल रही है, रियाजी की मश्क भी रोज़ाना कर रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल ज़बानी इम्तिहान चल रहे हैं जो कि अगले हफ्ते तक जारी रहेंगे। इस बार भी अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद है, आपकी दुआ कीजिए। ये होने के बाद जो लास्ट पैराग्राफ है वहाँ पे वापस से सलाम दुआ है कि अब्बा को सलाम कहिएगा और मुन्नी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, जल्द ही मुलाकात होगी। जो लास्ट पैराग्राफ में है आपको उसमें सलाम कहना है, जो छोटे बच्चे हैं उनको प्यार, और ख़त्म करना है। लेटर फिनिश होने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में लिखना है आपकी प्यारी बेटी, आपका प्यारा बेटा, नाम लिखना है अलिफ बे जीम जो लिखा हुआ है वहाँ पे आप आपका नाम लिख सकते हो, और एड्रेस लिखना है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये गैर रस्मी खत।